क्या आपके पास फेस वॉश ख़त्म हो गया है और आप सोच रहे हैं मैं कौन सा फेस वॉश खरीदूं, समझ नहीं आ रहा मेरे पिंपल हो रहे हैं, किस फेस वॉश से पिंपल जाएंगे, मुझे स्किन गोरी करनी है, कौन सा फेस वॉश लगाऊं जिससे स्किन गोरी हो जाएगी, क्या करूं स्किन एकदम ग्लोइंग हो जाए, गोरी हो जाए, फेयर हो जाए, पिगमेंटेशन चली जाए, है ना, झुर्रियाँ चली जाए, डार्क स्पॉट्स चले जाएँ, पिंपल के निशान चले जाएँ, सब कुछ चला जाए और स्किन एकदम स्मूथ हो जाए, गोरी हो जाए एंड ग्लोइंग हो जाए। जी हाँ गाइज, यहाँ पर आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी व्लॉग्स चैनल, जहाँ पर आपको मिलेगा स्किन केयर एंड हेयर केयर और मेरा रूटीन। यस एंड गाइज, आपको पता है अभी चिश ब्यूटी व्लॉग्स चैनल पर स्किन केयर की सीरीज़ चल रही है एंड एक ड्राई फ्रिजी हेयर की सीरीज़ चल रही है, तो आज स्किन केयर का टर्न है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अमेजिंग DIY फेस वॉश। या घर पर आप इस फेस वॉश को रेडी कर सकते हैं, इसे एक साल के लिए बनाकर रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ इसे जेंट्स, लेडीज़, बच्चे, बड़े, छोटे सब यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप आटा, जो कि हम आटा गेहूं का जो आटा होता है वही मैंने 1 कप लिया है। 1 कप मैंने लिया है बेसन, जो कि होता है ग्राम फ्लोर। ओके, इसमें जितने इन्ग्रीडियंट डाले हैं ना वो सब A1 है, मतलब आपकी स्किन से सारी प्रॉब्लम दूर करने वाले हैं। जैसे कि स्किन पे दाग धब्बे हो गए हैं, स्किन है वो बहुत डल हो गई है, झुर्रियाँ आ गई, फाइन लाइंस आ गई है, पिंपल के निशान, डार्क स्पॉट, डार्क सर्किल, है ना, दाने हो गए हैं, उसके निशान रह गए हैं, नहीं जा रहे हैं, ये सब कुछ छूमंतर कर देगा एक अकेला फेस वॉश। नेक्स्ट थर्ड इंग्रेडिएंट है मुल्तानी मिट्टी। जी हाँ, जिसके पोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ओपन हो चुके हैं, है ना, जिसको एक्सेस ऑयल की प्रॉब्लम है, स्किन हर वक्त चिपचिपी रहती है, ऑयल निकलता रहता है स्किन से। एंड आपको पता है ओपन पोर्स कब होते हैं, जब आपकी स्किन ऑयली होती है और आपकी स्किन में बहुत एक्सेस ऑयल निकलता है, उससे पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पर पोर्स हैं वो भी आपके मिनिमाइज होंगे, है ना, मुल्तानी मिट्टी से। एंड समर है तो ये मुल्तानी काफ़ी अच्छी है आपके पूरे फेस के लिए। एंड नेक्स्ट मैं ले रही हूँ मसूर की दाल, जो ये मसूर की दाल होती है ऑरेंज कलर की, वही वाली है, ये आपकी स्किन वाइटनिंग पे बहुत अच्छा काम करती है, स्किन को वाइट करती है और ग्लोइंग बनाती है, है ना। ये देखिए मैंने सारे पाउडर आपको जो दिखा रही हूँ ना, काफ़ी पाउडर हैं जो कि मैंने बाय किए हैं, ऑनलाइन लिए हैं, है ना, एंड काफ़ी सारे हैं जो घर में हमारे किचन में मौजूद होती है चीज़ें, उसको मैंने ग्राइंडर में डाल के पीस के और बनाकर स्टोर करके रख दिया है। आटा मिल जाएगा घर में, बेसन मिल जाएगा आपके घर में, मसूर की दाल मिल जाएगी, ठीक है, मुल्तानी मिट्टी भी सबके घर में होगी। तो अभी मैंने 4 इन्ग्रीडियंट डाले, वो चारों तो आपके पास होंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट जो मैं ऐड करने वाली हूँ। एंड हाँ, यहाँ पर मैं जितने भी पाउडर यूज़ कर रही हूँ वो आपको मैं अमेज़न का या लिंक, जो भी मुझे लिंक मिलेगा मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ऑरेंज पील पाउडर। ऑरेंज आपको पता है विटामिन सी से भरपूर होता है एंड विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन को ग्लोई बनाता है और स्किन में दाग धब्बों को दूर करता है और स्किन को जो है वो टेक्सचर जो स्किन का है ना वो लाइट करता है ना, स्किन हमारी लाइट भी होती है। तो नेक्स्ट आपने देखा यहाँ पर मैंने डाला है चंदन पाउडर। ओके, चंदन होता है आपकी स्किन को काफ़ी सूद प्रोवाइड करता है और काफ़ी हेल्दी होती है स्किन और गोरी भी होती है इससे। नेक्स्ट यहाँ देख रहे हैं आप, ये मुलेठी पाउडर है। मुलेठी पाउडर आपकी स्किन को वाइटनिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है, स्किन को ये भी ब्राइट करता है, वाइट करता है, है ना, तो मुलेठी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है स्किन के लिए। यहाँ पर भी इसमें मैंने दो मतलब मोस्टली मैंने 2 चम्मच लिए हैं, ठीक है। एंड कॉलिन क्ले, आपने इसका नाम सुना होगा, आई डोंट नो आपको पता या नहीं, कॉलिन क्ले एक बहुत ही अमेजिंग इन्ग्रीडियंट है जो कि आपकी स्किन वाइटनिंग पर बहुत अच्छा काम करता है। इतनी अच्छा मतलब ये है ना कि आपकी स्किन है ना इससे वाइट होने लगती है। और मैंने ये जो फेस वॉश बनाया है ना, ये इसमें जो जो चीज़ें डाली है ना वो सब आपकी स्किन वाइटनिंग के लिए है, स्किन ब्राइटनिंग के लिए है और स्किन में जो भी दाग धब्बे निशान सब कुछ जाने वाले हैं। अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ करेंगे ना तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने कॉलिन क्ले का भी डाल दिया है। एंड इसके बाद में आप देखेंगे तो नेक्स्ट मैं ले रही हूँ टर्मरिक पाउडर। ये है वॉइल्ड टर्मरिक, ठीक है, जो हमारी घर की हल्दी होती है वो नहीं है,
ये वाइल्ड टर्मरिक है, ये आपको ऑनलाइन मिलेगी, मे बी शायद, मुझे नहीं लगता लोकल शॉप पे मिले या नहीं, ऑनलाइन तो इजीली मिल जाएगी। तो अगर आपके पास ये वाली हो तो ये ले लीजिएगा, और ये नहीं है ना तो फिर घर में जो हम हल्दी काम में लेते हैं वो ले लेना। ये स्किन के लिए होती है प्रॉपर, जो वाइल्ड टर्मरिक है ना ये स्किन के लिए ही होती है, तो स्किन वाइटनिंग में बहुत अच्छी है ये, तो इसलिए यहाँ पर मैंने एक चम्मच, समझ लो एक बड़ा चम्मच मैंने इसमें डाल दिया, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फेस वॉश बना रही हूँ मैं, काफ़ी सारी क्वांटिटी है ना, इसलिए मैंने इतना इसमें डाला है। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने जितने भी पाउडर ऐड किए हैं ये सब आपके फेस के लिए बहुत अच्छे हैं, स्किन के लिए अच्छे हैं। एंड यहाँ पर देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिए, अब ये जो मैंने बनाया ये मैं थर्ड या फोर्थ टाइम बना रही हूँ फेस वॉश। मेरे चिश ब्यूटी चैनल पर ऑलरेडी दो वीडियो है, एक है उपटन की वीडियो जिसमें मैंने उपटन शेयर किया था, उसमें मैंने और भी पाउडर्स ऐड किए हैं, कम से कम आई थिंक मुझे लग रहा है उसमें 15-20 पाउडर मैंने डाले थे, तो आप वो वीडियो देख लेना, एक बार ज़रूर देखना उसको, ठीक है। उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और एक और वीडियो है उसका लिंक भी दे दूंगी, दो वीडियो है फेस वॉश पर, DIY फेस वॉश पर आप वो भी देख लीजिएगा। उनमें से अगर कोई पाउडर आपके पास हैं, इनमें से जो पाउडर आपके पास हैं उन सबको आपको मिक्स करके और एक पाउडर अच्छा सा बना लेना है, ठीक है। बनाने के बाद में इसको पूरा मिक्स कर लीजिए ताकि सब एक दूसरे में मिक्स हो जाए अच्छे से। अब आप क्या करेंगे, एक कंटेनर लेना, एक भरनी ले लेना, प्लास्टिक की ले लीजिएगा, कांच की ले लीजिएगा, या फिर आप लोग स्टील की ले लीजिएगा, कोई भी जो भी आपके पास हो, आप एक भरनी लेकर और उसके अंदर कंटेनर में इस पूरे पाउडर को डाल के अपने बाथरूम में रख लीजिए, ठीक है। एवरी डे आप इससे फेस वॉश कर सकते हैं, इसे एज ए अपनी पूरी बॉडी पे उपटन के रूप में यूज़ कर सकते हैं, आप इसे फेस वॉश के रूप में यूज़ कर सकते हैं, आप इसे फेस पैक के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, किसी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। और एवरी डे रोज़ अगर आप इसे फेस वॉश की तरह मॉर्निंग में यूज़ करेंगे ना, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, और इसे पूरी बॉडी पर भी आप यूज़ कर सकते हैं, ओके। एंड यहाँ पर देखिए आपको रोज़ रोज़ है ना एक कटोरी में डाल के लेने की ज़रूरत नहीं है, जब आप फेस वॉश करेंगे ना सीधा आपको भरनी को ओपन करना है, अपने हाथ में लेना है थोड़ा सा चम्मच, आधा चम्मच के करीब, और उसमें पानी मिला दीजिएगा, ठीक है। रोज़ वाटर हो तो रोज़ वाटर मिलाइए, ये रोज़ वाटर वही है जो मैंने स्टार्टिंग में अपने फेस पर स्प्रे किया है, जो मैंने DIY रोज़ वाटर बनाया वो है ये, तो आप लोग भी DIY रोज़ वाटर बना लीजिए, बहुत ईजी है, ज़्यादा क्वान्टिटी में बना के फ्रिज में स्टोर कर लीजिए, ठीक है, और यूज़ करते रहिए। मैंने भी इसे बनाया और काफ़ी अच्छा है ये, अपना प्योर और घर का रोज़ वाटर है, तो आप वो वीडियो का भी लिंक मैं दे दूंगी एंड स्क्रीन में, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर देखना। एंड इसके बाद में आपको बस इसमें रोज़ वाटर हो तो वो मिला लीजिए, और नहीं तो फिर नॉर्मल पानी भी मिला सकते हो आप इसमें, उसमें मिलाकर और इसको अपने हाथ में ही लेके मिला लीजिए, और उसी वक्त फेस पे लगा के सिर्फ 2 मिनट के लिए वेट कर लीजिए, 2-3 मिनट के लिए वेट करके, और उसके बाद में आप लोग फेस वॉश कर लीजिए। मैं कैसे यूज़ करती हूँ देखो, सबसे पहले जब मॉर्निंग में मैं उठती हूँ ना तो ब्रश, हम लोग फ्रेश होकर ब्रश ही करते हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ ब्रश करने से पहले इस पैक को पूरे फेस पे लगा लेती हूँ, ठीक है, लगाती हूँ, उसके बाद मैं ब्रश करती हूँ, तो ब्रश करने में कम से कम 5-8 मिनट तो लग ही जाते हैं ना, 10 मिनट के अंदर समझ लो, मुझे 5 से 10 मिनट के बीच में ब्रश मैं करती हूँ, इतनी देर तक करती हूँ ब्रश, तो मैं इसको 5-10 मिनट रख लेती हूँ, मतलब फेस पे ये लगा रहता है, और उसके बाद में क्या है ब्रश हो गया एंड देन उसके बाद में फेस है वो भी, ये भी ड्राई हो जाता है, फिर इसको फेस को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ, मैं ऐसे यूज़ करती हूँ। वरना फेस को है ना क्या, ब्रश करने के बाद में लगाएंगे ना तो फिर हमें 10 मिनट तक इधर उधर घूमना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, तो ये चीज़ है, तो ये बहुत अच्छा है, एवरी डे इसको यूज़ करना। आप लोग अभी देख सकते हैं मेरा फेस एकदम क्लीन था, फेस पे कुछ भी नहीं था, मैंने इस पैक को अब लगाया है, आप लोग देखिए। एंड लगाने के बाद में पूरा लास्ट में भी मैंने दिखाया आपको कि हटाने इसको यूज़ करा, 10 मिनट लगा रहने दिया मैंने, और 10 मिनट के बाद में आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी, और उसके बाद में आपको क्या करना है फेस पे वो भी बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करिए, देखिए एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करती हूँ कि आपको, अब जैसे मैं हेयर के टिप्स दे रही हूँ ना उसी तरह से स्किन के टिप्स भी आपको मिलेंगे एवरी डे, मतलब जब स्किन की जो सीरीज़ आ रही है ना उसी के अकॉर्डिंग आपको रेगुलर बेसिस पे वो सब चीज़ें मैं देने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियोस को पूरी पूरी देखिए, एंड आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, जो भी फ्रेंड सर्किल है ना, मैं यही बोलूँगी कि आप सबको वीडियो को शेयर करिए, अगर आप शेयर करेंगे ना तो देखिए दूसरों की भी हेल्प होगी, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देर है, इतना बढ़िया चैनल मिला है आपको, जो स्किन केयर भी मिल रहा है आपको, हेयर केयर भी मिल रहा है, और भी काफ़ी सारे टिप्स दिए जा रहे हैं, तो फिर आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके जाया करिए, ऐसे मत जाना, ठीक है, लाइक ज़रूर किए करिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे मोटिवेशन देता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं तो नेक
पर भी लगाना है, जो भी पैक लगा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, नेक को अवॉइड मत करिए। यहाँ पर गाइस आप लोगों ने देख लिया है, ये पूरा मैंने पैक लगा लिया है। आपने देखा पूरा अच्छे से कैसे बनाना है इस फेस वॉश को। इसको बस एक बार बना के रख लीजिए गाइस, बहुत टाइम तक चलता है। आप इसे एक साल तक स्टोर करके रख सकते हो, बिल्कुल खराब नहीं होता है ना। एंड जब आपको यूज करना है तो आप इसे एवरी डे यूज कर सकते हैं। एवरी डे हम मॉर्निंग में जो फेस वॉश करते हैं ना, उस वक्त आप इसे एवरी डे यूज कर सकते हैं। आप इसे रेगुलर बेसिस पे यूज करके देखिए, आपकी स्किन की हर प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। हर प्रॉब्लम मतलब कि आपको पिगमेंटेशन भी है ना, वो भी इससे चली जाएगी। डार्क स्पॉट्स, जिसको यहाँ ब्लैक माउथ एरिया पे बहुत डार्कनेस होती है, वो चली जाएगी। अनइवन स्किन टोन है, वो आपका साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगी इसकी। क्योंकि जितने इंग्रेडिएंट मैंने डाले हैं, आपको पता है सारी गुडनेस आप देख चुके हैं, सुन चुके हैं, तो इतना ज्यादा इफेक्टिव है ये फेस वॉश। तो मैं यही रिकमेंड करूंगी सबको कि आप लोग सब इसे बना लीजिए। एंड यस, यहाँ एक और चीज बोलूंगी, मैंने जितने इसमें इंग्रेडिएंट यूज किए हैं, उनमें से आपके पास कोई नहीं है तो आप लोग अगर बाय नहीं कर सकते हैं तो कोई इशू नहीं है। आपके पास जितनी चीजें हैं उतने ही आप मिक्स करके बना लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए आप ऐसा करना, फिर जब आप नेक्स्ट टाइम बनाए ज्यादा क्वांटिटी में, तब आप ये सारे पाउडर लेके और मिक्स करके बना के रखिए। अभी आप एक महीने का बना सकते हो, 10 दिन का बना सकते हैं, 1 हफ्ते का, आपके अकॉर्डिंग आप अपनी इच्छा के हिसाब से बना सकते हैं। एंड ये बहुत इफेक्टिव है, इसे जरूर करिए। और मैं यहाँ पर बोलूंगी, जब आप नहाने जाते हैं शावर लेने, तब आप इसे पूरी बॉडी पर भी यूज करिए। वीक में कम से कम 1 या 2 बार अपने पूरी बॉडी के ऊपर इसको पैक को यूज करना, मतलब कि यूज करके लगाकर आप 2 मिनट ही छोड़ दो, उसके बाद में रब करके और उतार लेना। आपकी स्किन इतनी स्मूथ हो जाएगी ना, आप खुद को आप देखना, आप जब यूज करेंगे ना, तब आप खुद मुझे कमेंट करेंगे आके कि दी क्या चीज बताई है आपने, इतना इफेक्टिव है ये, है ना। एंड जिनकी ब्राइड जो है, जिनकी शादी होने वाली है, उनके लिए भी ये बेस्ट है। मतलब ये एक उपटन की तरह ही काम करेगा, ठीक है। एंड इसका मैं मेरे चैनल चिश ब्यूटी पर भी वीडियो गई है, उस पर भी मैंने वीडियो डाली है, लेकिन ये वीडियो नहीं है, ये मैंने रिसेंटली बनाया है आप लोगों के लिए। कल ही इसको प्रिपेयर किया है मैंने, ठीक है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी आपने देखा खत्म होने वाला था और मैं इसे बनाती रहती हूँ, जब खत्म होता है फिर बना देती हूँ। बट मैंने 2 वीडियो वहां पर भी डाल रखी है, तो आप वहां भी देख लेना, उसमें हो सकता है कुछ इंग्रेडिएंट और हो, या थोड़े कम हो या ज्यादा हो, आप वहां देख लीजिएगा एक बार वहां। अभी मेरे पास जो चीजें अवेलेबल थी वो सारी मैंने इंक्लूड करके और फेस वॉश को रेडी किया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही बिना सब्सक्राइब की हिम्मत देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सबके साथ शेयर करना। देखो सबसे ज्यादा मतलब कितनी बेस्ट चीज मैंने आपको दी है ना, तो सबके साथ शेयर करिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। और चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और स्किन केयर की, जैसे कि मैंने आपको बोला, सीरीज चली रही है हमारे चैनल पे, तो स्किन केयर की आपके साथ कुछ ना कुछ मैं रेमेडी देती रहूंगी, स्किन केयर की हर चीज देती रहूंगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले 2 टोनर दे दिए हैं, अब उसके बाद में ये जो थर्ड है ये फेस वॉश है, तो इसे आप लोग जरूर बनाना, मस्त है, सब लोग यूज कर सकते हैं। छोटे बच्चे हैं ना, 5 साल के बच्चे को भी आप यूज करवा सकते हैं ये, 5 साल से लेके और हर एज ग्रुप के जेंट्स, लेडीज, बच्चे, सब लोग इसको यूज करना। आप बहुत ही अच्छे, 1 महीने इसे रेगुलर यूज कर लिया ना, आपका चेहरा क्या से क्या हो जाएगा, सच में बता रही हूँ, इतना अमेजिंग चेहरा हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइज आप लोग देख सकते हैं, ये आधा ड्राई हो गया, हमें पूरा ड्राई नहीं करना है, मतलब इसको हाफ ड्राई करना है, उसके बाद में आप पानी ले लेना, ठीक है। अभी मुझे उठ के जाना पड़ेगा, इसलिए मैं रोज वाटर स्प्रे कर रही हूँ, इसको एक बार वेट करना, गीला करना है हमें, ठीक है। ठीक है, इसके बाद में आपको अपने हाथों को भी गीला करना है और फिर आपको हल्का हल्का इसको सर्कुलर मोशन में बस रब करना है, ठीक है, इस तरह से। चलिए अब मैं पूरा फेस वॉश करके और फिर आती हूँ वापस, ओके। आफ्टर फेस वॉश गाइज आप लोग देख सकते हैं फेस
कितना क्लीन हुआ है एंड कितना फेयर लग रहा है। आप खुद देखो कितना ज़्यादा साफ लग रहा है फेस, मतलब कि स्किन एकदम स्मूथ लग रही है, ऐसी लग रही है मुझे, इतना सॉफ्टनेस महसूस हो रहा था, इतना मतलब अच्छा लग रहा था, ऐसे मक्खन जैसी स्किन हो गई थी। एंड एक आप एप्लीकेशन में आपको रिजल्ट दिखेगा, देखना आप यूज़ करना इसको, रोज़ यूज़ करना और बहुत ही शानदार रिजल्ट है। आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाएगी ना कि आप मुझे लाखों दुआएं दोगे, सच्ची बता रही हूँ। एंड यहाँ पर अब मैं देखिए फेस को हमेशा वॉश करने के बाद में मैं आपको 3-4 स्टेप बताऊँगी, वो हमेशा करने हैं आपको। कभी भी फेस धो लेना उसके बाद में ऐसे ही नहीं छोड़ना, वरना स्किन ख़राब होती है। तो देखिए सबसे पहले करना है टोनर। टोनर मैंने ये वाला यूज़ किया है अपना, जो मैंने बनाया था, ठीक है, रोज़ वाटर वाला। आपको भी रोज़ वाटर का बना के रख लीजिए घर में और ये वाला टोनर यूज़ करिए। इसके बाद मैं आपको मॉइस्चराइज़र क्रीम ज़रूर लगाना, आप जो भी लगाते हैं वो लगाइए, मुझे ये बहुत पसंद है। ये बायोटिक का है, मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइज़र है, ये बहुत ही पसंद है मुझे, तो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। आप लोग ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, इसे टीनेजर सब लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एकदम आयुर्वेदिक टाइप है ना, बिल्कुल वो केमिकल वाला नहीं है, बिल्कुल एकदम नेचुरल है ये, तो आप इसे ले सकते हैं अपने लिए, ठीक है। एंड इसके बाद में आप देखेंगे पूरा अच्छे से नेक पर भी लगाना मॉइस्चराइज़र, फेस पे लगाएंगे, स्किन बहुत ही अच्छी हो गई। आप खुद देखो, आपके सामने बैठी हूँ मैं, इतनी अच्छी स्किन लग रही है मुझे। एंड इसके बाद मैं अभी आप मेरे डार्क सर्कल देखो, बहुत ही ज़्यादा लाइट हैं, और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये भी अभी हो गए हैं, बिकॉज मैं रात को अभी कितने 3 या 4 दिन से मैं ना लेट नाइट सो रही हूँ उसकी वजह से। तो आप लोग एकदम टाइम पे सोइए जिससे डार्क सर्किल ना हो। और फिर मैं लिप बाम यूज़ कर रही हूँ, आप भी लिप बाम ज़रूर लगाइए, इससे होंठ भी आपके काफ़ी अच्छे रहते हैं लिप्स। तो ये भी बायोटिक का ही लिप बाम है, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर दिए और लाइक करके जाना प्लीज़, ठीक है। चलिए बाय बाय।